हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले जो 1.17 अपडेट आया है माइनक्राफ्ट का, उसमें जो नया चीज़ जो ऐड की गई है उस चीज़ के बारे में। ये एक स्टोन है जो आपको केव में बहुत अंदर मिलेगा, वो है एमेस्टाइन ब्लॉक। तो ये आपको केव में काफ़ी मुश्किल से मिलता है। मैं मतलब ढूंढने में कामयाब तो नहीं हो पाया, मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, तो बाद में मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके यूज़ बताया जाए। तो आप जैसा कि सुन सकते हो कि ये जब प्लेस करते हैं हम लोग, तब एक अलग साउंड आता है उसका। ये काफ़ी ब्लॉक अच्छा है, डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है और साउंड भी करता है। और जब हम लोग इस पर वॉक करते हैं तब भी ये साउंड निकलता है, टिंग टोंग ऐसा करके निकलता है। तो काफ़ी बढ़िया है, और ये मतलब कलरफुल भी बहुत बढ़िया है, कलर भी काफ़ी बढ़िया है। तो फिर गाइस, जहाँ पे ये मिलता है ब्लॉक, वहाँ पे आपको और भी कुछ चीज़ मिलती है, जो ये बडिंग एमेस्टाइन एमेस्ट एमेस्ट जो भी है, बडिंग एमेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके ऊपर डिज़ाइन है ब्लॉक के ऊपर, आप जैसे देख सकते हो। वो क्यों है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। तो अभी जो न्यू और जो चीज़ मिलती है वो है, तो ये भी ब्लॉक साउंड करता है जैसा वो पहले वाला करता है। तो जब आप केव में जाते हो, बहुत मतलब डीप में मिलता है ये। तो जब आपको ये मिलता है तब आपके साथ ये बर्ड भी मिलता है, जो है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक होता है ये क्लस्टर, मतलब सबसे बड़ा वाला। तो अब इनके क्या यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले तो जब आप पहले ये स्मॉल वाले को ब्रेक करोगे, तो आपको इसके लिए मिनिमम एक आयरन पिकैक्स लगेगी किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए। अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको ये ब्लॉक से, तो आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है? तो ब्लॉक तोड़ोगे तो ब्लॉक, अगर आप ये बर्ड तोड़ने जाओगे तो वापस आपको देख सकते हो कुछ मिलेगा नहीं इसमें, वापस आपको ये मिलता नहीं है। तो ये अगर प्लेस करो तो सोच समझ के प्लेस करना। फिर ये जो स्मॉल है बर्ड, स्मॉल वाला, इसको ब्रेक करोगे तो भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब आप ये मीडियम वाले को करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, न लार्ज वाले मिलेगा। लेकिन इसको जब ब्रेक करोगे तब देख सकते हो आप लोगों को कुछ मिला है। क्या मिला है? वो है शार्ड। अब ये शार्ड किस काम आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखो। तो उसका यूज़, बर्ड का यूज़ और इसका यूज़, दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल वगैरह लगा लिए, अब मैं आपको बताता हूँ उसका यूज़ क्या है। तो अभी हम लोग पहले तो क्राफ्टिंग टेबल पे चलते हैं। तो शार्ड का यूज़ मैं आपको पहले बताता हूँ। तो शार्ड से आप लोग कॉपर इंगट का यूज़ करके स्पाई ग्लास बना सकते हो। तो देख सकते हो स्पाई ग्लास हमारा बन चुका है, दो कॉपर इंगट और एक वो शार्ड लगता है हमें। तो जब वो बन जाता है आप लोग इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो आप, अच्छा खासा जूम इन कर सकते हो। तो अगर आपको मल्टीप्लेयर या कुछ खेल रहे हो तो उसमें यूज़ आ सकता है। और दूसरी चीज़ जो आप इससे बना सकते हो शार्ड से, तो वो है, देख सकते हो सामने, वो जो हमने ब्लॉक पहला बताया था मैंने, वो ब्लॉक भी आप इससे बना सकते हो शार्ड से। अगर आपको शार्ड कलेक्ट करते हो आप, तो चार शार्ड का इस्तेमाल करके आप लोग एक ब्लॉक बना सकते हो। तो गाइस, अब इस बर्ड की बात करते हैं, तो इस पे आप लोगों स्मॉल बर्ड या मीडियम बर्ड या लार्ज बर्ड प्लेस कर सकते हो। और अगर ये आपके ग्रो करते हैं तो वो आपके बन जाएंगे शार्ड्स में, तो तोड़ोगे तो वो शार्ड्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी है, इसको टाइम लगता है, मतलब थोड़ा होने में, ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप मतलब कंटिन्यूसली खेल रहे हो तो ये काफ़ी बढ़िया है, आपको ब्लॉक्स कम मिले और आप ऐसे ग्रो कर सकते हो इसे, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। और ज़्यादा ये ब्लॉक का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, एक डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक डाला है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।